दुनियावी गरज के लिए हम घंटों खर्चा करते हैं, हम पर ना कोई बोझ होता है ना कोई गरानी गुजरती है। मसलन घंटों फजूल बातें करते हैं, एक दूसरे को हंसते हैं, हंसाते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, बुरा नहीं है, उस पर भी अज्र है अगर वो सही हो तो। ये फजूल बातें करना, खेलना, दुकानों पर जो है बैठ कर वक्त गुजारना, तफरी गाँव में घूमना, मगर जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो फिर बहुत महसूस होता है, अरे क्या हो गया इतनी लंबी नमाज, बस दो चार मिनट में खत्म कर दो उसको। मैं आपसे ज्यादा मोहताज हूँ मेरे भाइयों बुजुर्गों। मैंने हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, वो जब भी बेंगलोर आते तो मैं उनकी एक चीज़ को हमेशा देखता था, वो ये थी कि बूढ़े आदमी लेकिन चार रकात नमाज सुनत जोहर से पहले या कभी असर से पहले या कभी ईशा से पहले मैंने उनको पढ़ते देखा, क्योंकि मैं साथ रहता था, तो 10 मिनट में चार रकात नमाज कम अज कम खत्म कर देता। मैं सोचता कि हम भी ऐसे पढ़े, तो मैंने एक दिन नकल की, 5 मिनट में ख़त्म हो गई नमाज। फिर मैंने सोचा और इससे बड़ी सूरत पढ़ेंगे, फिर मैंने घड़ी देख कर चार रकात पूरी की, तो मालूम है अभी तो 7 ही मिनट हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये अल्लाह वाले लोग जिस तरह से दुनियावी कामों में मशगूल रहते थे, इसी तरह उससे ज़्यादा दीन के कामों में मशगूल रहते, उनकी नमाजें हमसे ज़्यादा अच्छी, उनके रोज़े हमसे ज़्यादा अच्छे, उनके इफ्तार हमसे ज़्यादा अच्छा, उनकी सहरी हमसे ज़्यादा अच्छी, उनके नवाफिल हमसे ज़्यादा अच्छे, उनकी सुन्नतें हमारे से ज़्यादा अच्छी। इसीलिए तो अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया, और हम ये चाहते हैं कि बस तोते की तरह ठोक मार के चलो जल्दी से, किसी न किसी तरह खतीम साहब छोड़े, इमाम साहब छोड़े, खुतबा हो जाए, सलाम फेरा और ये जाओ हो जाओ, मस्जिद में दिल लगता ही नहीं। और मेरे और आपके आका ने क्या फरमाया, कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्शे इलाही के, उसमें 7 किस्म के लोग मौजूद होंगे, उस साये के नीचे कौन, एक वो शख्स होगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो।